हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू की कचौरी। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। हमें सत्तू की कचौरी बनाने के लिए फ्रेंड क्या क्या चाहिए, तो ये देखिए सामान क्या क्या है। मुझे चने की दाल की सत्तू चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल होती है, कटा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन, कटी हुई मिर्च, नमक स्वादानुसार, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन और जो काली मिर्च होती है उसको मैंने ये चकले बेलने पे थोड़ा दवा दवा कर इसको पीस दिया है, वो चाहिए। और कटी हुई प्याज और कच्चा सरसों का तेल और अचार का मसाला। हर घर में तो अचार बनता ही है, तो उसका आम का अचार का मसाला या मिर्च का भी आप ले सकती हैं। और तलने के लिए रिफाइंड गेहूं का आटा और मैदे का आटा, एक एक कटोरी। तो आइए मैं बनाती हूँ, कैसे बनाना है ये देखिए। पहले मैं प्याज लूँगी कटी हुई, ये देखिए, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, एक कटोरी सत्तू, ये देखिए इस तरह से हमें मिलाना है उसको। और हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च को मैंने ये थोड़ा कूट लिया है, अजवाइन, इसे टेस्ट अच्छी आती है। और मैं ले रही हूँ सरसों की तेल, सरसों की तेल से टेस्ट अच्छी आती है। और नमक, नमक थोड़ा मैं कम ले रही हूँ इसलिए क्योंकि अचार में भी हमारा डाला हुआ है नमक। इस तरह से हम उसको मिक्सर को चला लेंगे। अभी अचार को कैसे डालें, तो इस तरह से हम अचार लेंगे जितना आपको चाहिए स्वाद। कोई ज़्यादा खट्टा खाते हैं, कोई कम खाते हैं, इस तरह से लेकर मैं अपने हाथों से इसको इस तरह से, ये देखिए। और जो इस आम के अचार में जो गुठलियाँ होती है उसको हम लोग इस तरह से निकाल देंगे, इस तरह से। और मैश करके मिक्सर तैयार हो जाएगा। तो अब हम अपना आटा लगाते हैं। अब देखिए फ्रेंड, मैं एक बाउल आटा ले रही हूँ, एक और बाउल ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो सिर्फ आटे का भी बना सकती हैं, लेकिन मैं दो बाउल आटा ली हूँ, दो कटोरी, और एक कटोरी मैदा। आप सिर्फ आटे का भी बना सकती हैं। इसमें मैं डालूँगी नमक, अजवाइन, और मैं इसमें डालूँगी रिफाइंड ऑयल ताकि हमारा कचौरी खास्ता बने। और इसे हम गूँथ लेंगे, ये देखिए। इसे पहले गूँथने के पहले खास्ता कचौरी बनाने के लिए हमें इस प्रकार से करना चाहिए पहले। ये आटा कभी भी गर्म पानी में ही लगाइए ताकि कचौरियाँ खास्ता बने, इस तरह से। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने अपना आटा लगाई हूँ। और लास्ट में थोड़ा सा हम ऑयल लेकर इसको सेक होने के लिए 5 या 10 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे, ये देखिए, ये देखिए। इस तरह से इसे थोड़ा 10 मिनट के लिए सेट करेंगे। देखिए फ्रेंड, आटा सेट हो गया है। अब मैं इसकी इस तरह से पेड़े या लोई जो भी है आप इस तरह से गोल कर लीजिए और ऐसे इसको भरना है इसमें। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा भर के इस तरह से, फिर इस तरह से कवर करते हुए इसे इस तरह से
राउंड करना है। एक बनाई, मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। बीच में स्पेस बनाइए इस तरह से। ये देखिए, अच्छा स्पेस बन गया। और मैं इसमें इस तरह से सेट कर दीजिए इसको, ऐसे पकड़ के, ऐसे 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 इस तरह से। ये देखिए, इसको कवर कर दी मैं और इस तरह से। ये अभी मैं एक बेल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ज़्यादा बेलना नहीं है ताकि वो फट ना जाए, फिर छानने में प्रॉब्लम होगा हमें। ये देखिए, इस तरह से बेलना है। देखिए कितना सुंदर हमारा पूरी बन गया है। अब इसको मैं छानती हूँ। देखिए फ्रेंड, कढ़ाई गरम हो रहा है। अब इसमें हम लोग रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। ये देखिए, और अपने तेल को गर्म होने देंगे। अभी गर्म नहीं हुआ है। देखिए फ्रेंड, तेल गर्म हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा आटा का ये डालकर देखूंगी, गोल टाइप का, ताकि वो गर्म हुआ है कि नहीं ऑयल, नहीं तो हमारी पूरियाँ फूल नहीं पाएंगी अच्छे से। ये देखिए गर्म हो रही है, तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से डालना है। इसे हमें डीप फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं देखिए फ्रेंड, सरसों की कचौड़ियाँ मेरी बनके तैयार हो गई है। आप इसे टमाटो केचप के साथ, ग्रीन चिल्ली के साथ, धनिया की चटनी के साथ, आप जो भी घर में सामान अवेलेबल हो उसके साथ आप खा सकती हैं। देखिए बनने के बाद ये इस प्रकार से बना है। ये देखिए, ये देखिए, ये कितनी खास तक कचौड़ी है। देखिए आप अपने घर में बनाइए और अपने बच्चे को खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक।